एफसी, आपको ध्यान है आप परसों तरसों हमारे साथ जुड़े थे, रेलवे काउंटर पे चर्चा हुई थी, तो आपने एक हमको शेयर दिया था IRFC, फिर मैंने कहा नहीं आप हमको एक और शेयर भी दे दो, फिर आपने जहां तक मेरे को ध्यान है वो इरकोन दिया था, एक इरकोन आपका दूसरा शेयर था, मेरे को अच्छे से याद है आपका शेयर। लेकिन IRFC की मैं बधाई देने के लिए आपको सुबह से वेट कर रहा था, आज शेयर बहुत बढ़िया चला, इनफैक्ट उस दिन के बाद से रुका ही नहीं है ये। सर जरा पहले इस पे गाइड कीजिएगा, फिर मैं दूसरे शेयर पे भी हैं जो आपसे जरा राय लेनी है, पहले IRFC पे रिकमेंडेशन सर। तो डिम्पी जी बिल्कुल बुलिश व्यू ही होल्ड कर रहे हैं, और इसके नंबर्स अगर आप रिजल्ट भी देखें तो काफी इंप्रेसिव नंबर है, और जिस तरीके से पूरी रेलवे थीम में एक अच्छा सेक्टर टेलविंड यहाँ पे काम करते हुए दिख रहा है, और जो हमने डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे क्लियरिटी है कि गवर्नमेंट जब भी बनेगी और बजट में एलोकेशन होगा तो रेलवे के लिए तो बजट एलोकेशन जिस तरीके से लग रहा है अच्छा ही होगा, और इसमें इम्प्रूवमेंट के काफी कुछ नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हुए दिख रहे हैं। तो रेलवे थीम में हमें लगता है एक अच्छा क्लियर कट बुलिश व्यू यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। IRFC के रिवाइज टारगेट जो हम हायर साइड पे अपग्रेड करेंगे वो 200-210 तक के हमें लगता है बिल्कुल आते हुए दिख सकते हैं, तो जिनके पास पोजिशन है अभी भी होल्ड आउट किया हुआ है बने रह सकते हैं। रिवाइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होना चाहिए 168, नया टारगेट 200 से 210 तक का। जिनके पास नहीं है उनका देखो एक राउंड की तेजी तो निकली है यहाँ से। मैंने इस शेयर इसलिए भी पता किए और राजेश सर के इसलिए भी मैंने पूछा ये, क्योंकि यही थीम चल रही है मार्केट के अंदर जो सीधा सीधा गवर्नमेंट की पॉलिसी से है। आप चेक कर लो, आप डिफेंसिव वाले शेयर्स, आप चेक कर लो रेलवे के काउंटर वापस से, आप चेक कर लो सारे सरकारी कंपनीज इंक्लूडिंग सरकारी बैंक, सरकारी कंपनीज तो छोड़ो सरकारी बैंक भी। आज अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी का डाइवर्जेंस चेक करोगे तो आपको क्लियर ही दिख जाएगा कि सरकारी बैंक चल रहे हैं और गैर सरकारी पीछे बैठा हुआ है। शायद वो थोड़ा ज़्यादा कॉशियस हैं या फिर सरकार को लेकर सरकारी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही रिएक्शन दे रही हैं। देवर्ष वकील भी मेरे को स्क्रीन पर दिखे हैं, एक बार जरा उनको भी आप दिखाइए।